पैसेंजर होता है वो पीछे गिर जाता है, ज्यादा ऊपर उड़ जाए तो है ना, अभी वापस भी जाना है तो उसको बिठाना भी है। अच्छी अच्छी बातें कर, नहीं तो ये यूं जाएगी तो फिर तो आगे आएंगे, है ना, सीट बेल्ट भी नहीं है। गए ब्रेक, कहानी में नया ट्विस्ट है कि पूरी ट्रॉली खाली हो चुकी है और सारे जो ऑपरेटर्स थे वो चले गए हमें छोड़ के यहीं पे। लो भाई जिस जगह पे आ गए हैं यहाँ से हम पैदल भी नहीं उतर सकते, और रुक जा लुढ़क में जाइयो, इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते। तो नीचे दिख ही नहीं रहा, बता दी गया गया नीचे गया। नहीं चुप चुप चुप, ना कोई ड्राइवर है। अब क्वेश्चन ये कि जो ये हमारी ट्रेन आ रही है ये रुकेगी नहीं रुकेगी हमारे पास, क्या चक्कर हो गया? तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है और इसलिए मैं चाहता हूं कि ये व्लॉग आप लास्ट तक देखें। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ये सिस्टम को ऑपरेशनल बनाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगी है। और आज भी इसको जो ट्रॉली सिस्टम है इसको चलाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लग रही है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस ब्लॉग को पूरा देखना, इससे मैं खड़ा हूं विंच कैंप पे। ये विंच कैंप कहां है? ये विंच कैंप पहाड़ की चोटी में बसा हुआ एक ट्रेन स्टेशन है। और ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, ये एक फ्यूनिकुलर सिस्टम है जो इंडिया का फर्स्ट फ्यूनिकुलर सिस्टम है। ये ऐसी ट्रेन है कि इतनी हाइट पे आती है कि इसको बैठाने के लिए ये सारे स्लीपर्स यूज किए हुए हैं जो बहुत हैवी है, नहीं तो ये ट्रेन आगे से उठ भी सकती है। जैसे घोड़ा उठता ना तो पैसेंजर होता है वो पीछे गिर जाता है, ज्यादा ऊपर उड़ जाए तो है ना, अभी वापस भी जाना है तो उसको बिठाना भी है। अच्छी अच्छी बातें कर। हर 15 दिन में इसकी ग्रीसिंग होती है ताकि जो ट्रॉली है ये अच्छे तरीके से चल सके। और इस जगह की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, ये पड़ती है जोगिंदर नगर में और डिस्ट्रिक्ट पड़ता मंडी। 36 किलोमीटर पालमपुर है, ये आप मंडी की तरफ से भी आ सकते हो। आपको जोगिंदर नगर आना है, जोगिंदर नगर में जो शानन पावर स्टेशन है वहां से ट्रॉली चलती है। और इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी आपको इस ट्रॉली में अगर आपको राइड लेनी है। तो दोस्तों आप इसको वर्ल्ड्स डेंजरस ट्रेन भी बोल सकते हो, और इस तरह की ट्रॉली है वो यूनिक है, मैंने कहीं इंडिया में कहीं और नहीं देखी ना सुनी है। इसलिए कह रहा हूं कि भैया इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये सिस्टम है आप देख रहे हो कितना यूनिक है। बट वाकई में बहुत ही एडवेंचरस है। देखने में लग रहा है ये रॉड है खाली, बट एक्चुअल में इसके बिना ये ट्रेन नहीं चल सकती। झांसी की रानी, इसमें बैठना ही बहुत टफ है, देखो जा। बेल्ट लगा ले अपनी, अभी यूं जाएगी, नहीं तो ये यूं जाएगी तो फिर तो आगे आएंगे, है ना, सीट बेल्ट भी नहीं है। तो खतरनाक काम है सारे यार, बिना बेल्ट के कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं, कुछ इक्विपमेंट नहीं है ऐसे जो आपको बचा सके। उठ नहीं जाते नहीं, जब बिजली बंद तो रही है वहां से कहां जाएगी यहां की बिजली। तो भाई नई चीज़ और पता लग रही है, तो भाई नई चीज़ एक कन्वे आया कि अगर लाइट चली गई तो ये जो हमारी ट्रॉली है अगर जैसे ये बिल्कुल ऐसे खड़े पार्ट से उतर रही है तो बस वहीं रहेगी, वहां से पहले जाना पड़ेगा। और कितनी भी स्टीप हो आप वही हटके रह जाओ, वही हटके रह जाओगे, चार पैर लगा के उतरना पड़ेगा। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, इसकी बैटरी भी बहुत कम है। ट्रेन चालू हो गई है वहां तक, वहां से बिल्कुल स्टीप डिसेंट है, वापसी है। अब बैठने खत्म हो जाए लास्ट मोमेंट, नहीं नहीं अभी कितनी परसेंट है, बस आई गया।
आगे आगे ये भाई अब आया दिल दहलाने वाला सीन गए नीचे गए 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 बस करे गए ओ ओ ओ ध्यान से ब्रेक है फुल टैग ब्रेक ब्रेक तो फटाफट मैं भी अपने थैले में भर लेती हूँ ब्रांच और ये ऐसी ट्रेन है जिसको आप कहीं भी रोक सकते हो एंजॉय कर सकते हो कहीं भी खेल सकते हो ब्रांच ले सकते हो ब्रांच तो बहुत रखे हैं चटनी बड़ी अच्छी बनती है मेंटेनेंस टीम के बंदे भी हैं बीच में हाँ। रुक के अपने थैले भर रहे घर में चटनियां बनानी है फिर जनानियों ने और जनानियों ने बातें सुनानी है फिर ले आयो तो मैं ये भी कहूंगा कि जितने भाई अब ये इकट्ठे करें ना फूल भाई जी ये बननी चाहिए दोरी छोटे पे चटनी बनी दोरी छोटे पे बाकी हमारे व्यूअर्स भी बता सकते हैं कि किस किस कंट्री में इस तरह की फ्यूनिकुलर्स चलती है तो हमें कमेंट करके बताइएगा सब गूगल करेंगे फिर नहीं नहीं हो सकता है वो उस कंट्री से बिलोंग करते हो और उनके वहां पे भी वो उसका अनुभव लेते हो क्या चक्कर हो गया आउट हो गया आ गया ये कहानी में नया ट्विस्ट है कि पूरी ट्रॉली खाली हो चुकी है ठीक है क्योंकि लाइट गई है और सारे जो ऑपरेटर्स थे वो चले गए हमें छोड़ के यहीं पे और ऊपर से बरसात आ रही है तो इस ये जो स्लोप है ये बहुत तगड़े वाला स्लोप है अब हमें पैदल जाना पड़ेगा और लाइट आ गई तो ठीक है तो लो भाई जिस जगह पे आ गए हैं यहाँ से हम पैदल भी नहीं उतर सकते क्योंकि ऐसे हो रहा है और रुक जा लुढ़क में जाइयो बस रुक जा यहीं पे इससे आगे तो जा ही नहीं सकते बिल्कुल ऐसे ये तो नीचे दिख ही नहीं रहा पूरा नीचे तो वो देखो वो पहुंच गए ओ यार सही है तू इधर आ जा उधर मत जा इधर आ जा उस साइड चलो मोस्ट डेंजरस ट्रैक तो फ्रेंड्स ट्रॉली को पीछे छोड़ दिया हमने अपनी मोस्ट डेंजरस ट्रेन को क्योंकि अब लाइट जा चुकी है अब हम चल रहे हैं पैदल और जंगल के अंदर और बरसात आ रही है ऊपर से और हमारे सारे कैमरास की बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है तो फुली लाइट आएगी और ट्रॉली पीछे से आएगी और फिर हम पहुंच पाएंगे नहीं तो हमें वैसे ही रास्ता लेना पड़ेगा ऊपर नीचे तो लो भाई ट्रैक करके अपने हैं चली गई ना होगा काम उनको फोन करके रुक जाएंगे रास्ते में आवाज कहाँ से आनी थी ट्रॉली हमारी चली गई है अब पैदल जाना पड़ेगा है नहीं गई नहीं गई हवा में अच्छा हवा में अच्छा अच्छा राम भैया ने ऐसा मजाक किया दिल ही धड़क गया तो इस ट्रॉली से चढ़ना आसान तो हो सकता है पर उतरना ही बहुत मुश्किल है अगर आपकी रुकी भी कहां जाके है जहां बिल्कुल स्टीप था सबसे ज्यादा स्टीप वाला जो पोर्शन है और लाइट भी वही गई है जहां से हम और को एडवेंचर तो यहां से उतरना अलग एक्सपीरियंस है पूरे जंगल में से आए हम यहां से निकल के ये हवा में अभी तो यहां तक ये जो आप देख रहे हो ट्रॉली जिस जाती है ये बिल्कुल प्लेन है और वहां से बिल्कुल स्लोप है एलिवेशन कितनी खतरनाक है सबसे स्टीपेस्ट जोन सा है वो रास्ता ये वाला है 85 डिग्री खूनी घाटी हाँ ये 80 होगा 75-80 डिग्री तो होगा ये भी फाइनल लाइट आ गई है क्योंकि एक ट्रॉली जोन सी है वो ऊपर जा रही है यहाँ से देखो 2-2.5 किलोमीटर चला है मेरे ख्याल से तो लाइट फिर चली गई है और वो ये मुसाफिर ऊपर से आ रहे हैं नीचे क्या लाइट गई फिर लो भाई लाइट गई सारे अपने थैले लेके आ रहे हैं वापस देख लो भाई कैसी ट्रेन है हमारी पूरी एडवेंचर भरी हुई है
लाइट की फिर ऊंची ऊंची वादियां, सनसनाती हवा और एक ट्रेन का इंतजार करता हुआ मुसाफिर। इसकी ट्रेन सामने है। जिसकी ट्रेन सामने है पर नीचे नहीं आ रही। लो भी फाइनली 1.5 से 2 घंटे वेट करने के बाद जो ट्रॉली हमारी वो आ रही है नीचे को, और लाइट का इशू था और वो हो क्यों रही थी क्योंकि जो लाइन जो आप पीछे देखेंगे यहाँ पे इसमें ये तारे हैं ये बरोड जा रही हैं और उसमें ट्रिपिंग हो रही थी हवा चलने की वजह से, बट फाइनली हमारी ट्रॉली आ ही रही है। और सबसे कमाल की बात है जो ट्रॉली है वो बेचारी अकेली आ रही है, उसमें कोई मुसाफिर नहीं है, ऊपर से आ रही है, ना कोई ड्राइवर है। देखो मतलब कितनी अमेजिंग बात है। अब क्वेश्चन ये कि जो ये हमारी ट्रेन आ रही है ये रुकेगी नहीं रुकेगी हमारे पास, अब ये रुकेगी कैसे? ये सिग्नल गया, लो भाई इतना लंबा सफर मैंने नहीं सोचा था भाई हो जाएगा। जाना जितना इस ट्रॉली पे ऊपर जाने तक जितना लगता हमें आसान है, उतरना ज्यादा मुश्किल है। तो ये आधा रास्ता तो हमें पैदल चल के नीचे कवर करना पड़ा और आधा रास्ते में हमें बैठ के वेट करना पड़ा आग जला के, पर इस बार कोई नहीं, मजा आया, एडवेंचर है, गपशप हो गई। तो फिर रुक गई है, अब ना कान फिर रुक गई ट्रॉली। जेई साहब लगता हमारे नाराज हो गए। और नहीं यार हम कह रहे थे कि भैया इस ट्रॉली पे अगर आना तो अपनी मर्जी से है, जाना इनकी मर्जी से है, इनकी मर्जी के बिना आप नहीं जा सकते और अपनी रिस्क पे आना भाई, पहले कह रहे हैं। क्यों चिक्की मार रही है ऐसी है? ब्रेक, ब्रेक। आपको उस तरफ बैठना चाहिए था, ऊपर देखो ये देख कैमरे में देख कितना ज्यादा देख। चलो वहाँ बैठे वहाँ ठीक है, यहाँ पे तो आपको और ज्यादा डर लगता है। घर चले आए यार सही सलामत आशीष भाई, दोबारा नहीं आना। कोई सीट बेल्ट नहीं है तुम्हारी, तुम अपनी रक्षा खुद से कर सकते हो बस। इसका रास्ता वहाँ से पैदल, ओ रास्ता बहुत अच्छा बताया भाई, देखना जरा रास्ता। यहाँ से पैदल उतर सकते हैं, यहाँ से नहीं उतर सकते, बहुत टफ है, यहाँ से उतर। तो सिर्फ ये भाई कि जो हमारा फर्स्ट स्टेशन था वहाँ तक पहुँच चुके हम, अब वहाँ के जा रहे हैं नेक्स्ट अपने स्टेशन पे चेंज होके ट्रेन पे। रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर। भाई एक टेक्निकल बात मिस हो गई थी, ये जो सिग्नल पहुंचता है ऊपर, ये जैसे आप मारते हो ना उसके ऊपर, अर्थिंग के थ्रू पहुंचता है, अर्थिंग होती है, तार लगाइए गाड़ी में इसको जब मारते हैं ऊपर तो फिर उस पूरा सर्किट बन जाता है और वो बेल बज जाती है। तो फाइनली पहुंच गए अभी अपने स्टॉप पावर पे, अब यहाँ से नेक्स्ट फ्लाइट कहाँ जाएगी? आशीष भाई की वैगनार में बजाएंगे सीधा। लो भी अपना बस स्टॉप आ गया, बफर स्टॉप लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेशन एडिट जंक्शन, फिर मिलते हैं।
ओके जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सा बर्गर आया आज हमारा। तो भाई फाइनली पहुंच गए नीचे अपने, जहाँ से हमारी गड्डी स्टार्ट हुई थी वहीं पहुंच गए दोबारा। पहले हमने सोचा था कि जल्दी 2-3 घंटे में आ जाएंगे, तो आज लंबा एडवेंचर हो गया, सुबह से लेके शाम हो गई। और ये सफर वाकई में हम कभी नहीं भूलेंगे, बहुत जबरदस्त मजे आए, एडवेंचर हुआ, हर तरह का जो एक्टिविटी कर सकते थे ना वहाँ जाके की हमने। चलो भाई है, ट्रैकिंग भी होगी। हाँ ट्रैकिंग भी होगी। तो चलो भाई सब्सक्राइब का बटन दबा देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलते रहेंगे भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको नहीं कह रहे, बट जो इस चैनल पे नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम इसी तरह आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे, पंजाबी रहेंगे। बाय।